हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है नीति शास्त्र में संकल्प की स्वतंत्रता का क्या महत्व है, या नैतिकता के लिए संकल्प के स्वतंत्रता की क्या उपयोगिता है। हमारे समस्त नैतिक निर्णयों का मूल आधार संकल्प की स्वतंत्रता है। अतः कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए नैतिक रूप से तभी उत्तरदायी माना जाएगा जब उसके पास संकल्प की स्वतंत्रता हो। जब मनुष्य ऐच्छिक कर्म करने अथवा न करने के लिए स्वतंत्र होता है, तब इस स्वतंत्रता को संकल्प की स्वतंत्रता कहा जा सकता है। संकल्प की स्वतंत्रता के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। संकल्प की स्वतंत्रता के लिए तीन शर्तों को अनिवार्य माना गया है, जिनके अभाव में मनुष्य के किसी संकल्प को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। ये शर्तें हैं, नंबर एक कर्म करने की क्षमता, नंबर दो ज्ञान और उद्देश्य, और नंबर तीन विकल्पों की उपस्थिति। पहली जो शर्त है संकल्प की स्वतंत्रता के लिए, वो है कर्म करने की क्षमता। संकल्प की स्वतंत्रता संबंधी पहली अनिवार्य शर्त कर्म करने की क्षमता है, जिसके अनुसार मनुष्य के उसी कर्म के संबंध में नैतिक निर्णय सार्थक हो सकते हैं, जिसे करने में वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से या दृष्टि से समर्थ हो। यदि वह चाहे तो उस कर्म को कर सकता है या छोड़ सकता है। यदि मनुष्य शारीरिक या बौद्धिक रूप से उस कर्म को करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अतः ऐसे कर्म के विषय में नैतिक निर्णय देना निरर्थक होगा। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाना चाहता है, किंतु वह स्वयं तैरना नहीं जानने के कारण चाहते हुए भी उस डूबते व्यक्ति को नहीं बचा सकता, अतः उसे नैतिक दृष्टि से दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ऐसे कर्मों को करने अथवा न करने के संबंध में व्यक्ति तभी स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय कर सकता है जब वह उस कर्म को करने में सक्षम हो। अतः कर्म की क्षमता संकल्प की स्वतंत्रता की प्रथम अनिवार्य शर्त है। ज्ञान और उद्देश्य, ज्ञान और उद्देश्य संकल्प की स्वतंत्रता की दूसरी अनिवार्य शर्त है। जब व्यक्ति कर्म करने में सक्षम हो, तब भी ये आवश्यक है कि मनुष्य सोच समझकर तथा किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर कर्म करे। मनुष्य को किसी ऐसे कर्म के संबंध में नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जो उसने अज्ञानवश किया हो। उदाहरण के लिए, यदि क्लेप्टोमेनिया, जो एक रोग होता है जिसमें व्यक्ति को चोरी करने की आदत होती है, तो ऐसा रोगी या क्लेप्टोमेनिया से पीड़ित व्यक्ति चोरी करता है, तो वह नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि इसमें ज्ञान और उद्देश्य का अभाव है, क्योंकि वह जानबूझकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया कर्म नहीं है। अतः मनुष्य उन्हीं कर्मों के लिए उत्तरदायी माना जाएगा जिन्हें वह किसी उद्देश्य की दृष्टि से रखते हुए जानबूझकर करता है। अतः जो कर्म अज्ञानवश अथवा किसी बाह्य शक्ति से बाध्य होकर किए जाते हैं,
उनके संबंध में मनुष्य स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। इसी कारण ऐसे कर्मों के लिए वह नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं है। तीसरी शर्त है विकल्पों की उपस्थिति। संकल्प की स्वतंत्रता की तीसरी एवं अंतिम अनिवार्य शर्त विकल्पों की उपस्थिति है। जब कर्म करने की क्षमता और ज्ञान और उद्देश्य होने पर भी किसी कर्म को करने हेतु स्वतंत्र नहीं हो सकता, यदि उसके समक्ष उस कर्म को करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ना हो, तो उसे उस कर्म को करने के लिए स्वतंत्र तथा उत्तरदायी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह उस कर्म के करने के अतिरिक्त और कोई कार्य कर ही नहीं सकता, अर्थात वह इसी कार्य को करने हेतु बाध्य था। वास्तव में मनुष्य तभी स्वतंत्र माना जा सकता है जब वह उस कर्म को करने के अतिरिक्त इच्छा और क्षमता होने पर भी अन्य कर्म कर सके। संकल्प की स्वतंत्रता की यह अनिवार्य शर्त है। अब निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य किसी भी कर्म के लिए तभी स्वतंत्र और उत्तरदायी है जब वह अपनी इच्छा के अनुसार अन्य अनेक कर्मों में से उसी कर्म का चुनाव करे तथा सोच समझकर और किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उस कर्म को करे। तभी कहा जा सकता है कि वास्तव में उसे संकल्प की स्वतंत्रता प्राप्त है। व्यक्ति कर्म का चुनाव कुछ विशेष कारणों के द्वारा करता है। इसके संदर्भ में तीन सिद्धांत है नीति शास्त्र में। नंबर एक नियतत्ववाद, नंबर दो अनियतत्ववाद और नंबर तीन देववाद या भाग्यवाद। पहला सिद्धांत जो है कर्मों के संबंध में नीति शास्त्र में, वो है नियतत्ववाद। नियतत्ववाद के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कर्म का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, यानी अकारण कुछ भी नहीं होता, चाहे वह कर्म ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो। दूसरा सिद्धांत जो नीति शास्त्र में प्रचलित है, अनियतत्ववाद। अनियतत्ववाद के अनुसार मनुष्य के कर्म आकस्मिक होते हैं और उनका कोई भी कारण पहले से बताया जाना संभव नहीं है, अर्थात कोई भी किसी का कारण बन जाता है। तीसरा सिद्धांत है देववाद या भाग्यवाद। देववाद या भाग्यवाद के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, मनुष्य के समस्त कर्म ईश्वर या किसी अन्य देवी शक्ति द्वारा पहले से ही निश्चित कर दिए जाते हैं, अतः अधिकतम प्रयास करने पर भी मानव इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। संकल्प की स्वतंत्रता के संदर्भ में बात करें तो संकल्प की स्वतंत्रता के साथ भाग्यवाद अनियतत्ववाद किसी भी तरीके से उपयुक्त नहीं है। केवल नियतत्ववाद ही संकल्प की स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु सक्षम होता है, क्योंकि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यदि हमें किसी मनुष्य के व्यक्तित्व और चरित्र का ठीक ठीक ज्ञान हो, अर्थात उसकी आदतों, रुचियों, इच्छाओं, विचारों, मूल्यों इत्यादि का हमें पहले से ही ज्ञान हो, तो पर्याप्त सीमा तक यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह किस परिस्थिति में क्या करेगा। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी महापुरुष के व्यक्तित्व और चरित्र को भलीभांति जानते हैं, तो हम निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि वह व्यक्ति किसी को किसी प्रकार का कष्ट अथवा दुख नहीं देगा। अतः कहा जा सकता है कि नियतत्ववादी संकल्प की स्वतंत्रता के साथ पूरी तरह से उपयुक्त है। संकल्प की स्वतंत्रता की रक्षा केवल नियतत्ववाद में ही हो पाती है। वही नियतत्ववाद ही एकमात्र सिद्धांत है जो संकल्प की स्वतंत्रता के हित